हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में अपने दफ्तर की तहस नहस हालत देखने और फिर उसकी शिकायत राज्यपाल से करने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंच गई हैं हिमाचल, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ कंगना की जंग खत्म नहीं हुई है। 6 दिन बाद कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश में अपने घर लौट आई हैं, लेकिन शिवसेना और उसके नेताओं पर कंगना के हमले जारी हैं। अब कंगना रनौत ने आदित्य ठाकरे के बहाने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को घेरा है। कंगना ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के सीएम की मूल समस्या ये है कि मैंने फिल्म माफिया सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों और उसके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया जो उनके प्यारे बेटे आदित्य ठाकरे के साथ है। ये मेरा बड़ा अपराध है, इसलिए अब वे मुझे फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन किसे फिक्स करता है। इससे पहले मुंबई से रवाना होते वक्त कंगना ने एक बार फिर मुंबई की तुलना पीओके से कर दी। भारी मन के साथ मुंबई छोड़ रही हूँ। पिछले दिनों जिस तरीके से मुझ पर हमले हुए, मुझे गालियाँ दी गई, मेरे दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की, उससे मेरा पीओके वाला बयान सही साबित हुआ है। कंगना के बयान से नाराज शिवसेना ने इस बार कंगना के बदले प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय, देश की सरकार खड़ी है पूरी एक व्यक्ति के पीछे। तो मुझे लगता है हम बात करना ठीक नहीं, सरकार जवाब देगी, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। उधर बीजेपी ने शिवसेना पर कंगना को परेशान करने का आरोप लगाया। महिला पे अन्याय होने के बाद अगर महिला तोड़ने वालों के खिलाफ अगर कुछ बोलती है तो क्या उसके पीछे नरेंद्र भाई मोदी होते? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम में मोदी जी दखल देते? ये प्रधानमंत्री जी का कार्यालय खड़ा है कि नहीं खड़ा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पूरा देश कंगना रनौत के पीछे खड़ा है। हिमाचल पहुंचने के बाद कंगना को 10 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। 7 दिन बाद उनका कोरोना टेस्ट होगा।